करने की कोशिश किया जा रहा है, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है प्रोवाइज करने की कि वोट परसेंटेज कम पड़े, कि वोट डंप कर ले जाएंगे लोग जी। और यहाँ पे जो लोग हैं जो वो बड़े ही मायूस दिख रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनको ये सब काम करना पड़ रहा है, तो लोग बहुत मायूस हैं। आप शिकायतों के बाद पोलिंग बूथों को देखने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं? जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेन आ रही है वहाँ वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सदर यहाँ पहुँची इस तरह के? ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हैं कि सच्चाई के साथ दे। आप जिस पोलिंग बूथ पर शिकायत आ रही है हद पार कर रहा है। आपने ट्वीट किया था कि डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। हाँ, डीएम साहब ने चपरासी को फोन उठाने चले गए थे और फोन नहीं उठा रहे थे। क्या लगता है कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान के सामने, अपने देश के सामने, कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क है आज जिस तरह चुनाव कराए जा रहे हैं। सदर के पोलिंग में आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े पदेन सदस्य के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, उस पर क्या कहेंगे? अभी हम लोग को देख के भागे हैं यहाँ से। उसके लिए किसी को आपने इन्फॉर्मेशन किया? मैंने उनसे बात करी है, डीएम साहब से और एसडीएम साहब से बात करी है। निष्पक्ष चुनाव यहाँ वो पीठासीन अधिकारी ऐसे ऐसे लगा दिए हैं, वो स्लो करवा रहे हैं, स्पीड से कराएं। अभी 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कैसे वोट पड़ेगा? और जबकि एक मशीन पे बल्ब होना चाहिए और एक दूसरा एक ही बल्ब से काम चल रहा, तो वो अंधेरा है। प्रशासन प्रशासन आधार कार्ड होने के बाद खराब भी, हाँ आधार कार्ड खराब की कुछ शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। वो तो लगातार आ रही हैं, वो लगातार आ रही हैं, वो तो ठीक कराई जा रही हैं। चाचा मुकाबला होना किससे लग रहा है, भाजपा से या प्रशासन से आपका? देखो हमारा प्रशासन कई हद से ज्यादा रहा, ये सीधा सीधा था इनका लोकतंत्र की हत्या, तो इस सबके बावजूद हम लोग रोकें। इस सबके बावजूद आपको क्या लगता है कि कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, डिंपल यादव भारी बहुमत से जीतेंगे।